आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में एक बार फिर से सास बहू के विवाद का अनोखा मामला पहुंचा। यहां पर बहू ने अपनी सास पर रोज शराब पीने का आरोप लगाया है और कहा कि सास रोज शाम में शराब पीती है और उससे चकना लाने के लिए बोलती है। जब बहू ने मना किया तो सास बहू में विवाद होने लगा। अंत में बहू के पूरे मामले की शिकायत थाना पुलिस से की तो मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया गया। आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शादी एक साल पहले रामबाग के रहने वाले युवक से हुई थी। युवक सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन 2 महीने बाद ही सास से बहू का झगड़ा होने लगा और झगड़े की वजह बनी शराब। बहू का आरोप है कि उसकी सास रोज शाम शराब पीती है और उससे शराब के लिए चकना, पनीर और सलाद की डिमांड करती है। कुछ दिनों तक तो बहू सास के आदेश का पालन करती रही, लेकिन लगातार शराब का सेवन करने से बहू ने अपनी सास को मना किया तो जंग छिड़ गई। कई बार सास के बोलने पर बहू ने चकना, पनीर, टिक्का, सलाद नहीं दिया। बस इसी बात पर बात बिगड़ती चली गई और बहू अपने मायके में रुक गई। अंत में बहू ने थाना पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर्स डॉक्टर अमित गौर ने बताया कि शराब को लेकर सास बहू में विवाद होता है। 2 तारीख में सास हाजिर नहीं हुई है, अब अगली तारीख दी गई है। अगर उस तारीख पर भी सास नहीं आई तो मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे। अब मैं डॉक्टर अमित कुमार गौड़ हूँ, परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन आगरा में बहुत सालों से काउंसलिंग। आज यहाँ परिवार परामर्श केंद्र में किस तरह के मामले आए? परिवार परामर्श केंद्र में हमेशा की तरह फाइलें से भर्ती जा रही है। वैसे इस बार भी फाइलें काफी बढ़ी हुई थी। हमारे पास 125 से 130 फाइलें थी, जिनमें हमसे करीब 40 से 45 फाइलों में हमने सुनवाई भी की है। बहुत सारे मामलों में समझौते भी हुए और हर बार की तरह कोई ना कोई अलग केस आता है तो उसमें कोई ना कोई केस आता है। जैसे कि अभी एक मामला था, लड़का किसी सरकारी चिकित्सालय में कार्य करता है और दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की इस बात को लेकर अब ससुराल जाना नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी सासू माँ है, जो की सास है लड़के की जो माँ है, वो नित्यदिन शराब का सेवन करती हैं, वो अल्कोहल लेती हैं, जिसकी वजह से घर में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता है। और वो मामला परिवार परामर्श केंद्र तक आ गया। हमने अगली तारीख पर माँ को भी बुलाया है और उनसे बात करेंगे, वो समझाने का प्रयास करेंगे। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।